और जो वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष होता है ना बेटे, वो जो होता है मंत्रिमंडल होता है, और जो नाममात्र होता है वो होता है राष्ट्रपति। संसदीय सरकार को बच्चे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये वो सरकार होती है जिसमें जो मंत्रिमंडल है, मतलब जो कार्यपालिका है, अपने सभी कार्यों के लिए विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है बेटे? बेटे पहले इसका आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सेकेंड है, संसदीय सरकार की चार विशेषताएं लिखें। संसदीय सरकार की मुख्य विशेषताएं हैं वही जो इसका मीनिंग किया है, वही इसकी तीन फीचर्स हैं। इसमें वास्तविक और नाममात्र के कार्यकारी अध्यक्ष के बीच अंतर होता है, मतलब इसमें दो तरह के बच्चे कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है नाममात्र। जो रियल हेड होता है वो होता है मंत्रिमंडल, और जो नाममात्र होता है वो होता है राष्ट्रपति। और इसमें सरकार के दोनों अंगों के बीच गहरे संबंध होते हैं। तीसरा है, कार्यपालिका विधान पालिका के लोकप्रिय सदन के सामने उत्तरदायी होती है। और चौथा है बच्चे, इसमें इसकी जो विशेषता है, इसमें कार्यपालिका की अवधि भी निश्चित नहीं होती, और वो तब तक अपने पद पर रहती है जब तक विधान पालिका के निम्न सदन में उसे बहुमत का विश्वास मिले, तब तक। तो मतलब ये उसकी चार करेक्टरिस्टिक्स हैं, चार उसकी फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व से आपका क्या अभिप्राय है? संसदीय सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटे इसमें क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल है, जो कार्यपालिका है, वो अपने सभी कार्यों के लिए ना सामूहिक रूप से संसद के सामने उत्तरदायी होता है। मतलब